हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स बट सम प्रॉपर्टीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर ऑब्जेक्ट जो है वाटर में फ्लोट कर सकते हैं और सिंक कर सकते हैं स्टूडेंट इसका मीनिंग है फ्लोट मीन्स जो सरफेस पे तैर सकते हैं और सिंक मीन्स जो वॉटर की सरफेस पे नहीं तैरते और डूब जाते हैं सो वाइल डूइंग एक्टिविटी फोर यू माइट हैव नोटिस दैट सम इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वॉटर सो जब हमने स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ोर को परफॉर्म किया था तो आपने नोटिस किया था कि कुछ इनसोल्यूबल जो सॉलिड्स थे वो हमने सेपरेट आउट कर लिए थे वाटर से क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का स्टूडेंट हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं एक्टिविटी फोर जिसमें आपने ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो है जो सॉलिड्स हैं आपके वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में और सम सॉलिड जो होते हैं वो आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर तो जो सोल्यूशन में सोल्यूबल होते हैं स्टूडेंट वो जो सब्सटांसिज हैं वो तो एक फाइन uh, यूनिफॉर्म जो है सोल्यूशन आपका फॉर्म करते हैं उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते बट जो जो मटेरियल्स हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते स्टूडेंट वो या तो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं या फिर जो है वो वाटर की बॉटम की सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सो यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी फाइव और एक्टिविटी फाइव में जो हमने परफॉर्म किया था कुछ लिक्विड के साथ कुछ लिक्विड जो है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं कंप्लीटली बट कुछ लिक्विड जो है स्टूडेंट वो सरफेस पे सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं ठीक ठीक है स्टूडेंट्स सो सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर तो उनमें से कुछ मटेरियल जो है मिक्स नहीं होते वाटर के साथ और वाटर की सरफेस पे जो है स्टूडेंट फ्लोट करते हैं अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर और जो कुछ मटेरियल जो हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं यानी कि वाटर में जो नीचे है वो बैठ जाते हैं सो राइट सो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन द वॉटर और सिंक सो so, हमने नोटिस किया होगा काफ़ी एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट्स के जो वाटर में फ्लोट करते हैं और वाटर में सिंक करते हैं एज यू कैन सी इन द फिगर फोर पॉइंट सिक्स ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पोंड जब ड्राई लीव जो हैं पोंड की सरफेस पे जो फॉल होते हैं अ स्टोन दैट यू थ्रो इन टू द पोंड और जो स्टोन जो आप पोंड में थ्रो करते हैं एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इंटू अ ग्लास ऑफ वाटर और जब आप एक ड्रॉप जो है हानि की वाटर के गिलास में जो है ऐड करते हैं व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस सो सब इन सभी मटेरियल के साथ क्या हैपन होता है स्टूडेंट आप क्या ऑब्जर्व करते हैं बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम फाइव एग्जांपल ईच जो बूझो है आपको फ़ाइव एग्जांपल देना चाहती है सभी के ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन द वॉटर जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं वाटर में और जो सिंक हो जाते हैं वोटर में उनके सभी के बूझो आपको फाइव एग्जाम्पल्स जो है वो देगी

सो ट्रांसपेरेंसी मीनिंग आप जानते हैं स्टूडेंट जिन ऑब्जेक्ट्स के हम जो है अक्रॉस देख सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटीरियल सो चलिए स्टार्ट करते हैं यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सिक सो स्टूडेंट आपने सभी ने एक गेम खेला होगा हाइड एंड सिक थिंक ऑफ सम प्लेसिज वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय द अदर्स तो आप अपने आप को हाइड एंड सिक में स्टूडेंट अपने आप को ऐसी जगह पे हाइड करना पसंद करते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आपको देख नहीं सकता वाई डिड यू चूज दो प्लेज को चूज क्यों करते हैं वुड यू हैव ट्राई टू ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो क्या आप अपने आप को हाइड एंड सिक में ग्लास विंडो के पीछे हाइड करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू तो अगर आप जो ग्लास विंडो है उसके पीछे अपने आप को हाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको देख सकता है और आपको सपोर्ट कर सकता है सो कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स तो क्या आप इस तरह से सभी मटीरियल्स में देख सकते हैं दो सब्सटांसिस और मटीरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन भी सीन आर कोल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल स्टूडेंट्स उन सभी मटीरियल्स को जिसके अक्रोस आप देख सकते हो उनको हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं एंड ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल तो स्टूडेंट आपने एग्जाम्पल्स को भी नोट करना है सो हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू लाइक ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स शॉपकीपर कीपर यूजली प्रेफर टू कीप द बिस्किट्स स्वीट्स एंड अदर इटेबल्स इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास आपने स्टूडेंट जब भी आप दुकान पर जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो बिस्किट्स हैं स्वीट्स हैं और जो कुछ भी इटेबल सब्सटांसिज हैं वो आप जो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को मटीरियल्स को किसके अंदर रखता है ट्रांसपेरेंट मटीरियल के अंदर रखता है ग्लास इट मे भी ग्लास और इट मे बी प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजली सी दिस आइटम्स ताकि हम उन आइटम्स को ईजिल जो है देख सकें एज यू कैन सी इन द फिगर फोर पॉइंट एट ट्रांसपेरेंट बोटल जो है शॉप में रखी हैं तो आप फिगर फोर पॉइंट एट में भी देख सकते हैं तो जो जो मटीरियल उनके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट जो भी उनके अंदर स्वीट्स हैं कैंडीज़ हैं वो आप क्लियरली विजिबल हैं आपको और आप इजिली चूज कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ऑन दी अदर हैंड देर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी और हमारे पास कुछ ऐसे मटीरियल्स भी हैं जिसके थ्रू uh, हम देख नहीं सकते सो दीज मटीरियल्स आर कोल्ड एज ओपेक सो so, उन मटीरियल्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं ओपेक सो यू कैन नोट टेल वाट इज कैप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स अ कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर सो आप नहीं बता सकते कि जो आपका वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है कार्डबोर्ड रखा है और अ मेटल कंटेनर और मेटल कंटेनर के अंदर भी आप नहीं बता सकते कि क्या रखा है सो वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल जो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट जो थ्री एग्जाम्पल्स आर गिवन टू तो यू वुड कार्बोर्ड एंड मेटल जो ये एग्जाम्पल्स हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल जिसके अगर ये ओपेक मटीरियल के एग्जाम्पल्स हैं और इनके थ्रू आप नहीं देख सकते डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन आईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट क्या हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कौन से ओपेक हैं और कौन से ट्रांसपेरेंट है लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी सिक्स टेक अ शीट ऑफ द पेपर एंड लुक थ्रू इट टुआर्ड्स अ लाइटेड बल्ब स्टूडेंट आपने एक शीट ऑफ पेपर लेनी है और उसमें से आपने जो बल्ब लाइटेड बल्ब है उसकी तरफ देखना है मेक अ नोट ऑफ यूर ऑब्जर्वेशन और आपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है नाउ पुट टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल और आपने अब टू थ्री जो ड्रॉप है ऑयल की उसके पेपर के ऊपर स्प्रेड करनी है स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर और आपने शीट के ऊपर उसको स्प्रेड कर लेना है लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब और आपको नए फिर से उसको लाइटेड बल्ब की तरफ उसमें से देखना है थ्रू दैट पोर्सन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड आपने उस पोर्शन में से लाइटेड बल्ब को देखना है जिसके जिस पोर्शन में आपने जो ऑयल है उसको स्प्रेड किया है डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बल्ब है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है जो कि आपने पहले ऑब्जर्व किया था विदाउट यूजिंग ऑयल बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर जो लेकिन हम जो ऑयल पेपर है उसमें से हम क्लियरली जो है उसको बल्ब को देख सकते हैं इज एवरी थिंग ऑन अदर साइड ऑफ इट विजिबल क्या इसके दूसरी तरफ आप हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं हर एक चीज विजिबल है आपको ऑयल पेपर में से परेप्स नॉट शायद नहीं द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट स्टूडेंट दिस इज द थर्ड डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस की है वट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड थर्ड सेकेंड डेफिनेशन आपने डिस्कस की है वट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज द थर्ड डेफिनेशन वट आर द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट दोज मटीरियल्स थ्रू विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलुसेंट स्टूडेंट वो मटीरियल जिसमें से आप जो ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं बट क्लियरली विजिबल नहीं होते उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर वैन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रजेंस ऑफ फैट्स स्टूडेंट आप उसको याद कीजिए जब हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था फूड आइटम्स के टेस्ट परफॉर्म किए थे हमने फ़ैट के लिए जब हमने फैट के लिए टेस्ट परफॉर्म किया था तो हमने उस पर जो पैचिज़ जो है ऑब्जर्व किए थे फैट के दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू तो वो भी आपके ट्रांसल्यूसेंट थे कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल क्या आप और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट हैं सो वी कैन देयर फॉर ग्रूप द मटीरियल एज ओपेक ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट तो इस तरह से स्टूडेंट हम मटीरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से मटीरियल आपके ओपेक हैं कौन से ट्रांसपेरेंट हैं और कौन से ट्रांसल्यूसेंट हैं पहली सुजेस्ट कवरिंग द्लास ऑफ ए टोर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस स्टूडेंट पहली सुजेस्ट करती है कि आपने टोर्च को कवर करना है विद योर पाम ठीक है एट ए डार्क प्लेस एक डार्क प्लेस में स्विच ऑन द टॉर्च अब आपने टॉर्च को स्विच ऑन करना है ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम और आपने अदर साइड पर ऑब्जर्व करना है पाम के सी वॉन्ट्स टू नो वैदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक अब वो जानना चाहती है कि जो पाम है आपकी वो भी ओपेक है ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन दियर appearance। ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट के जो मटीरियल्स होते हैं वो डिफर करते हैं देयर अपेयरेंस में एंड द वे दे मिक्स इन द वॉटर और वे किस तरह से मिक्स किया है हमने वाटर में और कौन से लिक्विड में मिक्स किया है उसमें भी हम डिफर करते हैं सो दे मे फ्लोट और सिंक इन द वॉटर और वे वाटर पर फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं और मे भी ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट और वे ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं ओपेक भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं मटीरियल्स कैन भी ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो मटीरियल होते हैं हम उनको सिमिलैरिटी के बेस पर भी ग्रुप कर सकते हैं और डिफरेंसिज इन देयर प्रॉपर्टीज और उनमें की प्रोपर्टी में जो डिफरेंस है उनके बेस पर भी हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं वाई डू वी नीड टू ग्रूप द मटीरियल्स स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वाई डू वी नीड टू ग्रूप द मटीरियल्स हमें डिफरेंट मटीरियल को ग्रुप करने की रिक्वायरमेंट क्या है क्यों कर सकते हैं हम ग्रुपिंग सो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ़न ग्रुप मटीरियल्स फॉर देयर आवर कन्वीनियंस स्टूडेंट हम एवरीडे लाइफ में जो भी मटीरियल की ग्रुपिंग करते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं एट होम्स वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर हम अपने घर में यूजुअली जो चीज़ों को प्लेस करते हैं या स्टोर करते हैं वो ऐसे मैनर में करते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम उनको एक जगह पे प्लेस करते हैं एंड सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजली तो इस अरेंजमेंट से हम उनको ईजिली लोकेट कर सकते हैं ईजिली बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स जो ग्रोसर है स्टूडेंट्स वो सभी जो बिस्किट्स हैं सेम टाइप के ऐट वन कॉर्नर ऑफिस शॉप

तो ये भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स के हमारे लिए जो ग्रुपिंग है वो यूजफुल क्यों है डिवाइडिंग द मटीरियल इन द ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स जो मटीरियल की जो ग्रुपिंग है वो हमारे लिए एक तरह से और हेल्पफुल है कि हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ईजी वे में स्टडी कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी और उन प्रॉपर्टी में कोई ना कोई पैटर्न भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाता है नेक्स्ट आपको गिवन तो है स्टूडेंट्स सम की तो स्टूडेंट जो की हैं आपको मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूँ हार्ड यू कैन ईजिली डिफाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द हार्ड इनसोल्यूबल यू कैन ईजिली डिफाइन लश्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मटीरियल्स मेटल्स ओपेक रफ सोल्यूबल ट्रांसल्यूसेंट

सो so, आपने फाइव ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने हैं जो वुड से आप बना सकते हैं सो दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन तो आपने स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन में कौन से ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उनको सेलेक्ट करना है एंड द सम एग्जाम्पल्स यू आर गिवन ग्लास बॉल प्लास्टिक टॉय स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट तो स्टूडेंट इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट आपके शाइन करेंगे और कौन से शाइन नहीं करेंगे तो so, ये भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है आप उन्हें स्टूडेंट मैच करना है सो फर्स्ट कॉलम में यू हैव गिवन द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड कॉलम में यू हैव गिवन मटेरियल सो आपने मैचिंग करनी है कि कौन सा मटेरियल जो है फर्स्ट कॉलम में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक बुक अब आपको स्टूडेंट ईजिली यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बुक इज मेड अप ऑफ बुक इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटीरियल सो यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ मटीरियल्स वी हैव गिवन इन कॉलम नंबर टू so book is made up of glass your answer is no book is made up of wood your answer is correct so book is made up of wood but further you have given another option that is paper so wood from the wood paper is made and from the paper the book is made so so your correct answer should be the book is made from the paper so you can easily

एंड वाइल द ग्लास इज ओपेक स्टूडेंट आपको पता है कि स्टोन इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट वाइल द ग्लास इज ओपेक बट ग्लास इज ऑल्सो नॉट एपेक सो स्टूडेंट इस तरह से आपका ये जो स्टेटमेंट है वह ट्रू वा या फॉल्स सो इट शुड बी फॉल्स ठीक है स्टूडेंट तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन को ईजली आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका फिफ्थ क्वेश्चन गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मेटीरियल्स स्टूडेंट्स आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स के नेम गिवन है वॉटर बास्केटबॉल ऑरेंज शुगर ग्लोब एप्पल अर्दन पीचर ग्रुप देम एज तो आपने इन जो गिवन नेम्स हैं आपके स्टूडेंट इनको ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ राउंड शेप्ड एंड अदर शेप स्टूडेंट आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक ग्रुप में आपने परफॉर्म जो पुट करने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट करने हैं जो राउंड शेप के हैं और अदर ग्रुप में आपने पुट करने हैं जो राउंड शेप के नहीं हैं सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट ईटेबल एंड नॉन ईटेबल तो इसमें आपने ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स में से कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके ईटेबल्स हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो है नॉन ईटेबल है तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव आपने परफॉर्म किया सेकेंड क्वेश्चन है सॉरी सिक्स क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर सो आपने सभी ऑब्जेक्ट्स को जो आप जानते हैं उनको लिस्ट करना है जो ऑब्जेक्ट्स आपके फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन ऑयल सो आपने साथ में ये भी चेक करना है स्टूडेंट के जो वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं क्या वे ऑयल में और कैरोसिन ऑयल में भी फॉल फ्लोट कर सकते हैं या सिंक हो जाते हैं तो ये भी आपने साथ में ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपका एक एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है और ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग ओड वन आउट का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपका गिवन सभी एग्जाम्पल से डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेवेंथ क्वेश्चन का चेयर बेड टेबल बेबी कप बोर्ड स्टूडेंट यू कैन सी सो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में चेयर है जो आपका वुड से बना होता है बेड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड टेबल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड बेबी इज नॉट मेड फ्रॉम वुड एंड कप बोर्ड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड सो स्टूडेंट एक को ऑप्शन को छोड़ करके आपके बाकी जो ऑप्शन हैं दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्राम द सिंगल मटीरियल दैट इज़ वुड सो दैट जो योर आंसर शुड बी बेबी बिकॉज बेबी इज़ नॉट मेड फ्राम द वुड सो इन द सिमलर वे यू कैन आंसर ऑल द फोर टाइप्स एंड ए बी सी एंड डी सो इस तरह से स्टूडेंट आपने ओड वन आउट में एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है ठीक है सो स्टूडेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज़ पार्स विज्ञान अकेडमी Thank you very much. Thanks for watching.